एज ऑफ अल्ट्रॉन सेकंड पार्ट। और इससे पहले के पार्ट आप हमारे आई कार्ड में दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए या फिर नीचे दिए गए हैशटैग के जरिए भी देख सकते हैं। और अपने सजेशंस मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैन फ्रांसिस्को आज के दिन, जहाँ पर एक रहस्यमय औरत चली जा रही थी अल्ट्रॉन रोबोट से बचते हुए, और वो थोड़ी आगे चली ही थी कि तभी कोई पीछे से कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। और तभी एक आदमी अपने हाथ में एक गन लिए उस औरत से कहता है, जो भी तुम्हारे पास है, कार या फिर कोई खाने की चीज, वो मुझे दे दो। और तभी वो औरत कहती है कि तुम्हें गन कहाँ से मिली। तब यहाँ पर वो कहता है कि अपना ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट में जो कुछ भी है वो मुझे दो, और अपने हाथ दीवार पर रखो या फिर अपने सिर के पीछे रखो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तब वो कहती है कि तुम मुझे शूट नहीं कर सकते, तुम कावर्ड हो, तुम एक असली इंसान नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली इसके बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। और अपनी हुड निकाल कर वो दिखाती है कि वो कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक विडो थी। और वो कहती है, क्या तुमने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा है? क्या इसके बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें देखना चाहेगी? लेकिन फिर भी वो आदमी कहता है कि जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दो। लेकिन उससे पहले ही एक गोली उसके सर को आर पार चीर चुकी थी। तब ब्लैक विडो साइन लैंग्वेज में किसी से कहती है कि मैं लगभग उसे संभाल चुकी थी। तब वो ऊपर से कहता है, हाँ तुमने संभाल लिया था। और तब हम देखते हैं कि वो मून नाइट था। यहाँ पर उसके पास से जो चीज मिलती है वो लेकर ब्लैक विडो आगे बढ़ने लगती है, और मून नाइट उसे बताता है कि उसे सेफ हाउस की तरफ आना है। सेफ हाउस की तरफ जाते हुए वो देखती है कि अल्ट्रॉन रोबोट्स कितनी बुरी तरह से तबाही मचा रहे थे और लोगों को मार रहे थे। और जैसे ही वो सेफ हाउस में पहुंचती है, सबसे पहले मून नाइट उससे कहता है कि जो तुमने स्ट्रीट पर किया वो मैंने देखा है, लेकिन तुम लकी थी कि मैं वहां पर था, वरना अब तक तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तब वो कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम अगर नहीं होते तो मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती? और वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? क्योंकि मेरे अलावा और कोई बाहर नहीं है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। तब वीडियो कहती है, हाँ मुझे पता है कि सब लोग मर रहे हैं या फिर मर चुके हैं, और ये उससे भी बुरा हो रहा है। तब वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि सब लोग, क्योंकि फ्यूरी यहाँ पर क्या कर रहे थे आखिरकार? और तब वो देखते हैं कि फ्यूरी एक एक हीरो की डिटेल्स जमा कर रहे थे। वो आगे कहती है कि फ्यूरी का ये सीक्रेट हाइडआउट है। वो आगे बताती है कि स्क्रल इन्वेजन के दौरान वो यहीं पर थे और यहीं पर वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि ब्लू वो वाले थे जिन पर वो ट्रस्ट करता था, और रेड वो वाले थे जिन पर वो ट्रस्ट नहीं करता था। और मून नाइट कहता है, और हमारा अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जाएंगे कहाँ पर? तब वो कहती है, बाहर हम बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेफेस्ट प्लेस है पूरे यूनिवर्स में। तब वो कहता है, तुम्हें लगता नहीं कि अल्ट्रॉन किसी तरह से शील्ड में घुसकर इस जगह का पता लगा लेगा? तब वो कहती है, फ्यूरी की सबसे खास बात तुम्हें ये थी कि वो कभी भी कोई चीज लीक कर नहीं रखते थे, और अगर कोई पेपर वर्क नहीं होगा तो कोई लीक भी नहीं होगा, तो कोई उस जगह को ढूंढ ही नहीं सकता जो एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी पेपर पर। वो आगे कहता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम दोनों लकी बच चुके हैं और किसी ब्लैक ऑप मिशन पर हम पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। तब वो कहती है, हाँ। और वो उसे एक प्रॉमिस मांगती है कि जब उसे वो रोबोट मिले तब उनकी एस में वो न्यूक्लियर वॉरेट्स घुसाकर उस सबको तबाह कर दे। सेंट्रल पार्क, उसके नीचे स्पाइडरमैन की हालत काफी सुधर चुकी थी, और वो कहता है, ये सब कुछ शुरू हुआ मेरे सोने के साथ। जैसे ही मैं सोया सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरा नाम पीटर पार्कर है बाय द वे, और हमारी सीक्रेट आइडेंटिटीज जो कि अब रिवील हो चुकी है उसी का ये एक पार्ट है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था अभी तक, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? तब वो कहता है, ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं बेड में था सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं जागा सब कुछ नर्क बन चुका था। तब कोई कहता है कि ये सबके साथ हुआ था, तुम्हारे साथ ही नहीं। वो आगे कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन जितना बुरा मेरे साथ हुआ उतना बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता। एक मिनट पहले ऐसा लगा कि पूरी दुनिया मेरे पास थी, और दूसरे ही मिनट एक स्नैप की तरह सब कुछ मुझसे बिखर चुका था। और कोई पूछता है कि पीटर आखिर तुमने देखा क्या? तो पीटर के सामने वो सभी सीन दोहराए जा रहे थे जब वो नींद से उठता है और अपने शहर के ऊपर तबाही की मशीन को देखता है। वो आगे कहता है, क्या तुम्हें मैनहट्टन के बारे में कुछ पता चला? तब वो आदमी कहता है, नहीं, कुछ भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचा, ऐसा सबका मानना है। तब वो कहता है, मानना इसका क्या मतलब है? तब वो शख्स कहता है, क्योंकि किसी ने एयर स्पेस में एंटर करने की कोशिश नहीं की, एवेंजर्स ने नहीं या फिर प्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स ने। और वो कहता है कि वाशिंगटन डीसी भी जा चुकी है इनफैक्ट, और यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
और यहाँ पर स्पाइडरमैन कहता है तो फिर हमारे पास इतने ही लोग हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ गाइस। और वो पूछता है कि क्या 7000 सुपर हीरोज अभी न्यूयॉर्क में सही सलामत है। लेकिन टोनी पूछता है कि तुम आखिर किडनैप कैसे हुए। और तब उसे याद आता है कि वो स्विंग करते हुए उस मशीन के बीच में से जा रहा था और तभी एक आदमी फ्लैश चमकाकर उसे बेहोश कर देता है। और वो कहता भी है कि मेरे स्पाइडी सेंस ऑफ नहीं हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं एक व्हाइट फ्लैश के साथ कैसे बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तब एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था और नशे में था। और वो पूछते हैं कि आखिर वो तुम्हारे साथ करने क्या वाले थे। तब वो कहता है उन्होंने मुझे ड्रग दिए और कुछ बात कर रहे थे। तब लोगन पूछता है लेकिन क्या उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट कहा। तब वो कहता है लोगन अगर तुम्हें लगता है कि वो मुझे किसी बिग रोबोट को बेचने वाले थे ये इम्पोर्टेंट है तो हाँ उन्होंने इम्पोर्टेंट कहा। तब टोनी पूछता है लेकिन किसे, किस बिग रोबोट को। तब स्पाइडी कहता है अल्ट्रॉन को। तब लूक कहता है इसमें कोई शक नहीं कि रोबोट को तुम्हारी जरूरत नहीं थी और ना ही उन लोगों की तुम्हें लाने के लिए। यहाँ पर सब बातें कैप्टन सुन रहे थे। और वो कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि उन्हें मेरी जरूरत थी भी या नहीं। और वो कहता है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग आर्टिफिशियल ऑर्गेनिजम्स का। और यहाँ पर सब लोगों का मानना था कि लू की बात में पॉइंट है क्योंकि वो हमें सिर्फ लाइफ डर्ट बैग समझते हैं और अगर वो चाहते तो वो तुम्हें वही पर मार सकते थे। लेकिन सब लोग कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और स्पाइडी कहता है हमें कुछ सही करना होगा। तब टोनी कहता है हम सर्वाइव तो कर ही रहे हैं। तब टोनी से वो कहता है लेकिन टोनी सर्वाइविंग ही सब कुछ नहीं है। तो पीछे से आवाज आती है हाँ नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है अभी तक। और तभी हम देखते हैं कैप्टन को अपनी टूटी हुई शील्ड को उठाते हुए और एक नए जोश के साथ फिर से उठते हुए।